दोस्तों हम खड़े हैं इस टाइम झूला पुल में और ये पुल हिल रहा है बहुत बुरी तरह ये पुल हिल रहा है। मतलब झूला पुल इसलिए बोलते हैं, रानी बाग में पड़ता है, चित्रशिला नाम की जगह में, रानी बाग में सॉरी। तो ये हिल रहा है पुल बहुत बुरी तरह, पतला सा पुल है ये, देखिए डर भी लग रहा है चलते हुए इस पे। तो भाई साहब वाकई में डर लग रहा है दोस्तों, क्योंकि हिल रहा है बहुत बुरी तरह ये पुल, इस पर ज़्यादा लोग नहीं खड़े हो सकते, और बहुत हिल रहा है, मतलब हवा से भी हिल रहा है, रस्सी से बंधा हुआ है, और ये देखिए रस्सियाँ बंधी हुई हैं उस पर अटका हुआ है। तो हम इस पुल को पूरा क्रॉस करते हैं, रस्सियों से बंध रखा है। दोस्तों वाकई में बहुत डर लग रहा है मुझे, हिल रहा है बहुत, ऊपर से यहाँ पे लोग खड़े होकर रील बना रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, रस्सियों पर अटका हुआ है सारा पुल, ये देख लिया आपने, रस्सियों पर अटका हुआ है ये बहुत पुराना पुल है और आज का नहीं है, बहुत ही पुराना है ये, मुझे नहीं कम एग्जैक्ट मालूम कि ये अंग्रेजों के टाइम का है कि नहीं, पर बहुत पुराना है ये, सब इसमें साइंस लगी है ना उस हिसाब से, तो मुझे लगता है बहुत ही भाई बहुत ही पुराना पुल है ये, हिल रहा है हवा से भी हिल रहा है, बात तो यह है हमारे चलने से हवा से भी हिल रहा है, ये देखिए दोस्तों थोड़ा पुल की से तो नीचे उतर गया, हम यहाँ पे जाके देखते हैं, यहाँ पे आपको अच्छी तरह जो जहाँ पूजन हो रहा है पूरा शॉट मिलेगा। पुल सारा हैंडल होता है यहाँ से, यहाँ पे इसको कसते हैं, कम ज्यादा टाइट करना ढीला करना यहाँ से होता है, और मैं वहां से तो काफी आगे आ गया, ऊपर जंगल है तो सोच रहा हूँ आपको जंगल भी दिखा दूँ थोड़ा सा, और डर लग रहा जाने में क्योंकि अकेला हूँ, सब बिच्छू भी आ सकते हैं, बाकी आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं, सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। ये देखिए पहले रास्ता कितना डरावना है, यहाँ से निकल के अकेले ही जा रहा हूँ, तो नहीं हो देख तेरी कहाँ, सोलो ट्रेवल्स की मेन दिक्कत यही है कि अकेले होते हैं, तो अकेले कई जगहों को हम
फॉरगेट करते हैं क्योंकि हम वहाँ नहीं जाना चाहते, नज़रअंदाज कर देते हैं अकेले। हम कई जगहों को नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि हम सोलो ट्रैवल हैं, हमें एक करना पड़ता है क्योंकि सेफ्टी भी तो ज़रूरी है। अब नीचे कैसे जाओ, फाइनली दोस्तों आ गए। यहाँ से आपको दिखाता हूँ पूरा व्यू जहाँ पूजा चल रही है, ये देखिए। ये देखिए ये एक शिला है, मैं इस पर खड़ा हो जाता हूँ। दोस्तों मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरी वीडियो के माध्यम से ये सब नहीं देखा, क्योंकि कई लोग यहाँ पे नहीं आ सकते, मतलब टाइम नहीं है, भागती दौड़ती दुनिया में अपना काम के पीछे सब भाग रहे हैं, किसी को टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है किसी को।
भगवानों के असली हस्तक्षेप तो असली अवशेष तो दोस्तों उत्तराखंड में ही मिलते हैं। इतने भव्य मंदिर, इतनी असली असली चीज़ें। अब दोस्तों मैं लेके चल रहा हूँ आपको मेले की तरफ। ऊपर मेला लग रहा है, वहाँ जाके मिलते हैं। अरे अभी एक लेडीज के आन माता आई। दोस्तों चलते हैं यहाँ से माथा टेक लिया। चित्रशिला घाट थी है, उसको घाट बोलते हैं। अब चलते हैं यहाँ से हम घर की तरफ। वहाँ का थोड़ा व्यू दिखा के आपको लेके चलता हूँ मैं थोड़ा आगे। गाँव का
दोस्तों हमने लिया है ये पीपड़ी बजाने की, आज दुएं ढा देने सारे मोहल्ले में, सोने नहीं देना कोई सा। तो हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो दोस्तों आ गए हम घर पे। कोहरा कितना हो रहा बाहर देख लो, बहुत ज़्यादा कोहरा लग रहा है। अभी तो धूप आ गई थी यार, फिर कोहरा आ गया। अभी मुझे निकलने भी था गांव की तरफ, जो कालाडूंगी गांव है हमारे मामा का, वहाँ पे जाना भी था, पर धुंधी इतनी हो रही है, कोहरा इतना हो रहा है कि अभी जा नहीं पा रहा। तो गाइस, तो अब तो यहीं है, जब भी जाऊँगा तो उसका व्लॉग आपको मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में।